हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अगर आपको कटघोरा में स्टे करना है और अच्छा सा आप होटल ढूंढ रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। तो गाइस पीछे में आप देख सकते हैं मुरली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है फिलहाल तो, बट ऊपर में रेस्टोरेंट के होटल भी है तो मुरली होटल में आप स्टे कर सकते हो। तो गाइस ज्यादा समय ना ले तो चलते हैं अंदर मुरली होटल के अंदर। ऊपर में होटल है, नीचे में रेस्टोरेंट है। होटल का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, रूम किस प्रकार से, कितना प्राइस है, ए टू जेड हर एक चीज समझाऊंगा। सो गाइस अगर आप बिलासपुर या कोरबा से अंबिकापुर रोड में जाते हो और अगर आपको बीच में स्टे करना है तो मुरली होटल में आप स्टे कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप अंबिकापुर से बिलासपुर, कोरबा या कहीं से भी जाते हो, क्योंकि कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापुर का अगर सेंटर पॉइंट बोलोगे रुकने के लिए तो वो कटघोरा है। तो चले गाइस चलते हैं अंदर, आपको दिखलाता हूँ, ज्यादा समय ना लेके अंदर चल के आपको पूरा बताता हूँ। तो दोस्तों 1000 का आपको रूम मिलेगा एसी सुपर डिलक्स का, जिसमें कैसा रहेगा भैया बेड? एसी सुपर डिलक्स किंग साइज का बेड मिल जाएगा इसमें। आपको सेपरेट बेड का चाहिए तो सेपरेट बेड का भी मिल जाएगा, अटैच सभी लेट बात है। और वो सिंगल पर्सन के लिए है कि कैसा है भैया? 1000 जो मैंने आपको बताया सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए, सिंगल पर्सन के लिए है ये। अगर मान चले उसी में डबल पर्सन, अगर डबल रहे तो आपका इसमें 200 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, चार्ज लगेगा वो 1200 हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर थर्ड पर्सन होते हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा मैट्रेस लगाते हैं जिसका 200 एक्स्ट्रा और चार्ज लगेगा। मतलब कि 1000 में आप उसी रूम में रह सकते हो बट आपको बेड को शेयरिंग करना पड़ेगा। बस अगर आपको रूम में सिंगल आते हैं, अगर साथ में हैं, अगर डबल रह रहे हैं तो डबल में आपको रूम वही मिल पाएगा। अगर डबल के बाद थर्ड पर्सन भी होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा पर्सन चार्ज जो लगता है, तो अगर दो के बाद अगर तीसरा आपके साथ में ही है तो उसके लिए है। ऐसा नहीं कि जैसे शेयरिंग में बोला मैंने आपको सिंगल कोई रहा उसके बाद कोई दूसरा पर्सन आता है, अदरवाइज उसके जान पहचान का नहीं है, कोई दूसरा है, तो उसके लिए रूम वो नहीं रहेगा, शेयरिंग नहीं रहेगा सिंगल के लिए रूम मतलब होगा। अपने वो दो दोस्त आए हो तो शेयरिंग, बिल्कुल बिल्कुल, आप दो लोग अगर रहते हैं तो बिल्कुल आप शेयर करके रह सकते हैं, उसमें आपको रेंट जो मैंने आपको डबल का बताया वो चार्ज होगा। जी, सर। जी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो एसी डिलक्स रूम के बारे में पूरा भैया बता दिए, अब मिनी स्वीट रूम में जाते हैं। मिनी स्वीट रूम का जो चार्ज है वो कितना लगेगा? मिनिमम सिंगल मिनी स्वीट रूम के लिए 1350 का चार्जेस है और डबल के लिए अगर डबल ऑक्यूपेंसी उसमें होते हैं तो वो 1600 होगा सर। और मिनी स्वीट रूम आपको सेम मिलेगा, एक्स्ट्रा उसका बेड साइज भी बड़ा है, किंग साइज का बेड मिलेगा, एक्स्ट्रा उसमें आपको सोफा मिल जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा सोफा मिल जाएगा। हाँ, मिनी स्वीट रूम में, मिनी स्वीट रूम में, और उसमें आपको स्मार्ट टीवी भी मिल पाएगी सर। जी। तो इसके बाद अब लास्ट में आ रहा है, क्या रूम आ रहा है भैया? सूट रूम है ये, जो कि होटल का सबसे बड़ा रूम है, सबसे बड़ा रूम है और यहाँ का बोला जाए तो हाईएस्ट रूम है, हाईएस्ट रूम है, हाईएस्ट रेंट में है। तो इसमें क्या क्या मिल जाएगा भैया? इसमें आपको फैसिलिटी सभी सेम है, रूम का साइज बस बड़ा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा सोफा वगैरह तो है ही। इसमें सेपरेट आपको गीजर मिलेगा, बस गर्म पानी की व्यवस्था अलग से इसमें है, पर्सनल गीजर है इसमें। अच्छा, और इसका रेंट जो है 1800 है सर, 1800 ये डबल के लिए है, सिंगल के लिए 1600 सर ये रूम, सिंगल के लिए 1600। जी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हो भैया बता दिया अपन को, तीन रूम है, तीन कैटेगरी के रूम है, तो उसमें जीएसटी कितना लगेगा भैया और उसके बाद टोटल अब कॉस्ट कितना हो जाएगा बता दीजिए? मैंने आपको जितने भी अभी रेंट बताया विदाउट जीएसटी बताया है। जी, जी। इसके ऊपर एक्स्ट्रा 12% जीएसटी आएगा, 12% जीएसटी एड होगा। अच्छा, जो सभी रूम का, सभी रूम का। जी जी। हाँ, तो मैं आपको फर्स्ट से बताना चाहूंगा जो डिलक्स है, मिनी स्वीट रूम है और सूट रूम है। जी जी। जो डिलक्स रूम 1000 का बताया सर, इसके ऊपर जीएसटी एड होकर के ये जो 1120 का हो जाएगा, 1120 का हो जाएगा 1000 का। और जो डबल में 1200 बताया वो 1344 का होगा सर। जी जी। ये डिलक्स रूम का मैंने रेंट बताया आपको। जी। इसके बाद आता है मिनी सूट रूम, मिनी सूट रूम का। इसमें जो 1350 का बोला 1350 का, ये जीएसटी एड होकर के 12% जीएसटी एड होकर के 1512 रुपया इसका रेंट हो जाएगा। जी। और जो डबल में 1600 बोला 1600 का, इसमें जीएसटी एड होकर के 1792 का होता है सर डबल में। अच्छा। इसके बाद आता है सूट रूम सर, सूट रूम जो की 1600 सिंगल में होगा। जी। इसका जीएसटी एड होने के बाद 1792 का हो जाएगा और 1800 डबल में प्लस जीएसटी होकर के 2016 का होता है सर ये रेंट जो है। जी जी। तो दोस्तों जैसा कि भैया ने बता दिया एसी सुपर डिलक्स हो गया, मिनी स्वीट रूम हो गया, स्वीट रूम हो गया, इसका टोटल चार्ज जीएसटी लगा के चार्ज कितना पड़ेगा भैया ने आपको अच्छा समझा दिया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सभी रूम में क्या क्या सिमिलैरिटी है, मतलब कि क्या क्या हमको मिल जाएंगे सभी रूम में। आपको जितने भी अभी रूम बताए हैं फैसिलिटी सभी सेम है डिलक्स रूम को छोड़ करके,
के जी, इसमें क्या है मिनी स्वीट रूम है और स्वीट रूम एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको इसमें जो बोला मैंने एक्स्ट्रा आपको सोफा मिल जाएगा, स्मार्ट टीवी मिल जाएगा, गर्म पानी की जो व्यवस्था है गर्म पानी सभी रूम में व्यवस्था है, बस ये है स्वीट रूम में आपको सेपरेट गीजर पर्सनल गीजर मिल पाएगा सर, इसमें पर्सनल गीजर स्वीट रूम में। और सर्विसेज बोला जाए तो अपने यहाँ होटल में जो भी सर्विस है खाना के लिए लंच डिनर फूड ब्रेकफास्ट जो भी आप सर्विस रूम से सर्विस मंगाते हैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, जो आप नीचे बैठ करके जो खाना लेना चाहें वही चार्ज आपको रूम में लेकर के भी वही आपको पेमेंट करना होगा सर, सर्विस चार्ज इसमें आपको नहीं देना पड़ेगा सर। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो रूम के बारे में भैया अच्छे से हम लोग को समझा चुके हैं। तो चलिए रूम में रुकने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, चेकआउट टाइम और बहुत सारे जो चीजें हैं प्रोसेस उसको समझते हैं। तो बताइए भैया क्या क्या चीजें लग जाएंगी रुकने के लिए। आपको अपने यहाँ होटल में स्टे करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड रहता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और इसमें स्टे करने के लिए 18+18 से ऊपर होनी चाहिए जो भी रुकने वाले हैं उनके लिए। अपने यहाँ 24 आवर सर्विस है अगर जिनको रुकना है, बाय द वे अपने रेगुलर भी गेस्ट हैं या फिर जो कभी कभार आए हैं मोबाइल नंबर के थ्रू आप कॉल करके आप अपना रूम जो है पहले से बुक करा सकते हैं। जी जी ऑनलाइन बुकिंग भी ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी। मान के चलिए भैया थोड़ा सा लेट हो गया तो उस कंडीशन में आधा घंटा एक घंटा का डिले होता है कि नहीं, मतलब आपको मैक्सिमम आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा सर। आधे घंटे के बाद भी अगर एक घंटा होता है दो घंटा एक्स्ट्रा होता है तो आपका सेकंड डे का चार्जेस आपको पूरा का पूरा पे करने का होगा सर, पूरा का पूरा पे करने का होगा। जी, उसके अलावा अगर ज्यादा है तो काउंटर में जाके बात जी, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आप। तो भैया जैसे कि मान चलिए किसी को कांटेक्ट करना है आपसे बात करना है, उसके लिए कांटेक्ट नंबर वगैरह मैं आपको अपने होटल का कांटेक्ट नंबर देना चाहूंगा। जी जी जो कि नंबर है 9685290549। आप कॉल करके आप अपना रूम एडवांस बुक करा सकते हैं सर। और जो टाइमिंग रहेगा कॉल का टाइमिंग कितना से कितना समय रहेगा भैया? कॉलिंग वैसे आप अपने यहाँ तो 24 आवर सर्विस है जी, बट ऐसा नहीं है कि रात में 12 बजे से पहले हो, बाय द वे कोई परेशानी में है इमरजेंसी में है तो कॉल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नंबर है तो हम 24 आवर से कॉल करें, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि सुबह 10 बजे से आप रात को 10 बजे के बीच में किसी भी टाइम कॉल कर लीजिएगा और एकदम नाइट में अगर एकदम इमरजेंसी तो कॉल करेगा। तो दोस्तों देख सकते हो भैया ने पूरे अपन को समझा चुका है, बाकी कॉल करे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है पर वीडियो को प्रॉपर देखिए, वीडियो में ही पूरा समझा चुके हैं भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपने इतने अच्छे तरीके समझाया अपन को। तो यहाँ आइए और रूम वगैरह बुक करिए, कटघोरा में बहुत अच्छा जगह है मुरली होटल, आपको प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूम भी मिल जाएंगे। सो गाइस ये देख सकते हो मुरली रेस्टोरेंट एंड होटल, रेस्टोरेंट के अंदर आपको एंटर करना है तो यहाँ से एंटर करना होगा और अगर आपको स्टे करने के लिए रूम लेना है बुक वगैरह करना है तो यहाँ से आपको एंट्री करना होगा। सो गाइस सामने की ओर बस स्टेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हो मुरली रेस्टोरेंट को और सीधा अंबिकापुर जाने वाला रास्ता है और अभी जो बस है वो अंबिकापुर के लिए रवाना हो रहा है और ये पूरा बस स्टेशन है गाइस पीछे में। तो ये देख सकते हो रेस्टोरेंट को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा।